आखिर ये तन खाक मिलेगा, क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी। ये कबीर कहा करते थे, कबीर बहुत मशहूर थे। और कबीर पर एक जो एक अजीब सी बात जो मैं देखती हूँ, एक मृत्यु का बहुत प्रभाव था। ऐसा नहीं था कि वो जीवन को जीते नहीं थे, जीवन का उत्सव या आनंद नहीं मनाते थे, या वो इसके बारे में उदासीन थे, ऐसा भी नहीं था। मुझे लगता है कबीर से अधिक किसी ने जिंदगी को जीने को, जिसको जीना कहते हैं कि जीना इसी का नाम है, कबीर से ज्यादा शायद ही कोई जिंदगी को समझ पाया होगा। और मुझे लगता है तभी वो इस दर्शन को समझ पाए, जिंदगी और मौत के बीच की जो कड़ी है, उस दर्शन को वो समझ पाए। और इसीलिए उन्होंने मृत्यु से संबंधित बहुत सारी बातें, जैसे एक हमारे गुरुजी ने एक सिखाया था कि क्या है वो कुछ की मोरे पिया के ऊंची रे अटरिया, मोरे पिया के ऊंची रे अटरिया, चढ़त में जियरा कांपे। अब ये ऊंची अटरिया आप लिटरल मीनिंग नहीं है कि आप वो प्रेमी है और प्रेमी किसी आठ माले पे, दस माले पे, बीस माले पे रहता है और वहां कोई लिफ्ट नहीं है तो हम कैसे चढ़ेंगे, थक जाएंगे, हाँफ जाएंगे, कांपेंगे, सांस की प्रॉब्लम होगी, तो ये मतलब नहीं है। यहाँ मोरे पिया के ऊंची रे अटेरिया मतलब जीवन और मृत्यु से है। जीवन से मृत्यु तक पहुंचने की जो सीढ़ी है वो बहुत लंबी है और उसको पार करने में जिया कांप रहा है, यानी वो एक घबराहट हो रही है कि कैसे हम पार करेंगे। और ये अच्छो अच्छों को होती है, मृत्यु कब है चाहे लोग जितना भी कहें कि हमने तो उस पर विजय पा लिया है, लेकिन ऐसा है नहीं, मृत्यु कब है सबके सबके साथ। कबीर है, और कबीर को जिसने समझ लिया मेरे ख्याल से जीवन तो आसान हो ही जाएगा, क्योंकि एक बहुत मशहूर रचना है उनकी, जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। अब उन्होंने गाड़ी यानी जीवन, ये जो जीवन है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो उस तरह से है कि आप जीवन को भी धीरे धीरे एंजॉय करके एक एक पल को जीते हुए, धीरे धीरे गाड़ी हाँको राम मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी अटकी रेत में और जाना बहुत है दूर, गाड़ी अटकी रेत में जाना बहुत है दूर, धर्मी लोग तो पार उतर गए, धर्मी लोग तो पार उतर गए, पापी चकना चूर, जरा धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी। मृत्यु का असर मैंने कबीर ने जो मृत्यु के दर्शन की जो बात की है, उसका असर मैंने बाबा कारण जो हिंदी रंगमंच के यानी पितामह कह जाते हैं, और आज की तारीख में कोई ऐसा नहीं है जो रंगमंच से जुड़ा हुआ हो और बाबा कारण को नहीं जानता, तो उनके ऊपर भी मैंने देखा था एक नाटक उन्होंने किया था, नाटक ययाति था या संभवतः उसमें एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु पे यानी बच्चे की लाश के सामने बैठ करके माँ जो है वो लोरी गा रही है, और वो लोरी में गाती है आयो रे आयो रे आयो सवार। ये
बहुत ही मधुर संगीत था उसमें, शोक गीत नहीं था, ये गीत ऐसा था जैसे कोई उत्सव हो। हालांकि इसमें सवाल भी बहुत खड़े हो गए थे कि आप मृत्यु जैसे जगह पे आपने इस तरह का गीत कैसे दिया। जो आलोचक थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने उनसे सवाल किया, तो बाबा ने बहुत बहुत ही, मुझे याद है, अपने अपने अंदाज में बहुत धीरे और बहुत सरल और मधुर बोलते थे वो। तो उन्होंने कहा कि मृत्यु से बड़ा उत्सव कोई भी नहीं है। जैसे जन्म एक उत्सव है, वैसे ही मृत्यु उत्सव। और ये जीवन, जैसे जन्म पहला उत्सव है किसी मनुष्य का, किसी बच्चे का, तो मृत्यु उसका आखिरी उत्सव है। तो दैट शुड बी सेलिब्रेट, उसको एंजॉय करना, उसका उत्सव मनाया जाना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। कबीर पे बहुत सी बातें हैं और बहुत, तो माटी कहे कहार से तू क्यों रूंधे मोए, माटी कहे कहार से तू क्यों रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले। तो उस तरह से जो उनका, उनकी जो सादगी है वो इसी में है कि वो सबको इक्वल कर, बराबर कर देते हैं वो, कि चाहे रंक हो, फकीर हो, गरीब हो या राजा हो, सभी जाएंगे। उसी में जब मुझे याद है उस एक जो मोरे पिया की ऊंची रे अटेरिया, चढ़त में जियरा कापे, उसमें एक लाइन है कि पीर होई सो जाने, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीर होई सो जाने। नित पिया की आस नहीं है, नित पिया की आस नहीं है, नाह काजर पार। वैसे इन्होंने एक कबीर की रचना है जो कई, मेरे ख्याल में कई सारे नाटकों में भी इस्तेमाल हुआ, शायद फिल्मों में भी हुआ हो, मुझे एक बार की याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत ही फेमस है कि चंदन काट के बनल खटोला, वो उसने कुछ है कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। मेरे ख्याल में जो कबीर को जानते होंगे, जो कबीर को पढ़ते होंगे, उन्होंने ये जरूर सुन रखा होगा कि कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, चंदन काट का बनल खटोला, चंदन काट का बनल खटोला, तापर दुलहिन सूतल हो। अब ये चंदन काट का खटोला, ये किसी स्त्री का बिस्तर नहीं, पलंग नहीं है, ये अर्थी है, वो जो चिता होती है जिस पर मरने के बाद शरीर को लिटाया जाता है और जलाया जाता है, ये उसकी बात हो रही है कि चंदन, चंदन काट का बना खटोला, तापर दुलहिन सूतल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो। यानी वो कौन है, वो जो मिस्ट्री मैन, हु इज द पर्सन जिसने नगरिया लूटा। कहते हैं उठो रे सखी मांग सजाओ, उठो रे सखी मांग सजाओ, दुल्हा मौसे रूटल हो। अब यहां भी लोगों को ऐसा लगता है कि श्रृंगार की बात हो रही है, कोई नायिका है जो कह रही है कि मुझे सजाओ।
आपको याद होगा कि हिंदी गाने में भी बहुत इसका प्रयोग हुआ है कि मुझे सजाओ मेरे पिया, मतलब सुनरी सखी मोहे सैया बुलाए। सजना बुलाए मोहे जाना पृथ्वी की नगरिया, हो मोही जाना है पी की नगरिया। चुन चुन बगिया से लाउरी चमेलिया, मांग भरो मत देर करो, मुझसे रूठे हैं मेरे सावरिया, हो मोहे जाना है पी की नगरिया। वैसे ही यहाँ नायिका कह रही है, आओ री सखी मोरे मांग सजाओ, दुल्हा मोसे रूठल रे, आए जम राजा पलंग चढ़ी बैठे, आए यम राजा यानी यम मृत्यु के देवता पलंग चढ़ी बैठे, चहो तिस धू धू उठल हो, यानी जब चिता में आग लगती है तो किस तरह से धुआं उठता है। आए अमराज पलंग चढ़ बैठे, चहो तिस धू धू उठल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो। ये पर्टिकुलर जो एक मायके से जो लड़की विदा होती है शादी के बाद, तो ऐसा लग रहा है कि कोई नायिका अपने मायके से ससुराल जा रही है। एक आम समझ ये बनती है यही कि आओ रे सखी मेरी मांग, मतलब मांग सजाओ, दुल्हा मुझसे रूठल हो, यानी मुझे इसलिए श्रृंगार करो कि मेरा दुल्हा, मेरा प्रेमी, मेरा प्रियतम, मेरा बिलवड, वो मुझसे रूठा है, ही इज एंग्री विथ मी, ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। जब जैसे वो बहुत फेमस, एक बहुत ही फेमस ठुमरी है कि मोरा सैया मोसे बोले ना, मोरा सैया मोसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हार गई, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्रेम में श्रृंगार में ये गिले शिकवे होते रहते हैं कि वो मुझसे बोले नहीं, बात नहीं कर रहा, वो रूठा है, वो रूठी है, तो ये क्रम प्रेम में तो चलता है, लेकिन मृत्यु में आप देखिए कि कबीर यहाँ मृत्यु में कह रहे हैं कि आओ रे सखी मोरी मांग सजाओ, दुल्हा मुझसे रूठल हो। ये ईश्वर रूपी दूल्हे की बात कर रहे, वो अपने कर्म को संवारने की बात कर रहे, जो इस जन्म के लेन देन कर्म और मोक्ष जिसको कहते हैं, इसकी कल्पना। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, जग से नाता छूटल हो, कौन ठगवा नगरिया लूटल। ये विदाई नहीं है नायिका का, एक दुल्हन का मायके से ससुराल जाने का, ये अंतिम क्षण इस दुनियावी मायके से
इसको बहुत ही सुंदर से गाने में गाया गया है कि ये दुनिया मेरे बाबुल का घर, वो